दौसा जिले में शिवालय बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। यहां के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार पर आज मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। शहर के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु अपने आराध्य का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर में आज मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान नीलकंठ की आकर्षक झांकी सजाई गई है। दौसा देव नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पंच महादेवों की ये नगरी है और देवगिरी पर्वत पर विराजे हुए बाबा नीलकंठ और बाबा भूतनाथ के अब पूरे सावन में मेला जैसा ही माहौल रहता है। परंतु जो तीसरा सोमवार है, जो पांच अगस्त के दिन है, और इस दिन विशेष जो है बाबा का फूलमंगला झांकी सजाई गई है। पूर्व संध्या पूर्व रात्रि को जो है वो रात्रि जागरण हुआ है और आने वाले कल 6 अगस्त के दिन बाबा की शोभा यात्रा डोल यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः बैजनाथ महादेव मंदिर पे पधारे आएगी। हम सब रोज आते हैं, चाहे आंधी हो, मेघ हो, कुछ भी हो, कितनी तेज बारिश हो, आज बारिश काफी तेज हो रही है, पर हम आना नहीं छोड़ते। जब से हमारी शादी है हम पति पत्नी दोनों लगातार आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को पूजा अर्चना करते हैं और जाते हैं। आज बारिश हो रही है, लोग बाग बारिश नहीं देखते, आंध नहीं देखते, अपने आप अनवरत आते रहते हैं और बाबा कैसी महिमा है कि हमको बाबा ने खूब दिया है। सावन मास में हमें 20 किलोमीटर दूर से आता हूँ और बड़ी तादाद में लोग आते हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ लोगों का आना स्टार्ट हो जाता है। श्रावण मास में यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, महिलाओं का अधिकतर यहाँ आना होता है। सावन मास में जो सोमवार का व्रत रखती है उनका उपवास भी यहीं खोलती है वो लोग महिलाएं।